1000 से लेकर 30000 तक आपको TWS मिल जाएंगे, 40000 तक भी शायद। तो जब इतनी सारी वैरायटी है TWS की, तो आप TWS कैसे चुनेंगे, कौन सा TWS खरीदेंगे, इसी के बारे में चलिए आज बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ निमिष। टेक इतिहास में ये हमेशा होता है, एप्पल एक प्रोडक्ट बनाता है, आम दुनिया कहती है ये बेकार प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि दुनिया आम है और ये एप्पल है। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन आम दुनिया कहती है ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, और आम तौर पर एक दो साल में वो प्रोडक्ट बिकने लगता है और सब लोग वही प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, जाना एयरपॉड्स टू डी वायरलेस ईयरफोन्स, जिसको हम लोग आजकल TWS कहते हैं। एप्पल ने उनको इंट्रोड्यूस किया था 3-4 साल पहले, और उस समय लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था, कहा था कि अरे क्या है, ये तो एयरपॉड्स हैं, इसमें बस आपने वायर काट दिए हैं, इसमें कोई अजीब चीज़ है, कान से लटकी रहती है, लगता है कान में कोई यू नो इंसेक्ट घुस गया है, कौन इसे यूज़ करेगा। हाँ जनाब, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। ये हद है कि अगर आप TWS खरीदने बाजार में जाइए तो 1000 से लेकर 30000 तक आपको TWS मिल जाएंगे, 40000 तक भी शायद। तो जब इतनी सारी वैरायटी है TWS की, तो आप TWS कैसे चुनेंगे, कौन सा TWS खरीदेंगे, इसी के बारे में चलिए आज बात करते हैं। खास बात, सबसे खास बात, जब आप TWS खरीद रहे हैं, कोई भी ऑडियो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो क्योंकि आप कान पे पहनते हैं तो उसका आकार होता है, शेप जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शंस आमतौर पर दो होते हैं, एक ऐसा होता है जैसे एयरपॉड्स होते हैं, स्टेम होती है, आपने कान में लगाया तो ये आपके कान से झूल जाता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग इन ईयर कहते हैं, यानी जो एकदम कान में आपको थोड़ा सा घुसा के डालना पड़ता है, जैसे ऐसे होते हैं, गोल से होते हैं, छोटे होते हैं, इनको आपको अपने कान में ऐसे करके रखना पड़ता है। दोनों के अपने फायदे होते हैं, दोनों के अपने नुकसान होते हैं। जो थोड़े बाहर निकले रहते हैं, लटकते रहते हैं, उनमें आपको प्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस बाहर कान पर लटका दीजिए और चलते बनिए। जो कान के एकदम अंदर रखते हैं, उस पर फायदा ये होता है कि अरे बाहर की कोई आवाज़ आती ही नहीं, अच्छी सील हो जाते हैं कान में आपके, वैक्यूम सा बन जाता है, बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती। कुछ लोग खैर भी पसंद करते हैं कि बाहर की थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती रहनी चाहिए ना भैया। तो ये सोच लीजिए आप चाहते क्या हैं, फिट कैसा हो, टाइट फिट चाहते हैं तो जो इन ईयर वाले होते हैं उनका इस्तेमाल करिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ी कन्वीनियंस होनी चाहिए, थोड़ी हवा आती जाती रहनी चाहिए, तो क्लासिक एयरपॉड्स वाले जो होते हैं जिनमें थोड़ी सी स्टेम होती है, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखें, जहाँ तक हो सके ये देखिए कि आपकी जो बॉक्स है, जो TWS का बॉक्स है, उसमें टिप्स के भी ऑप्शंस होते हैं। ईयरबड्स की एकदम ऊपर जो आती हैं कान में फिट होने वाली एरिया, उसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, तो 2-3 साइज़ में आती हैं, तो एक ही पे आप वो टिप बस चेंज कर दीजिए, दूसरी लगा दीजिए, कान में पहुँच जाने बेहतर फिट आ जाए। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि टिप्स मिल सकती हैं, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए, क्योंकि हर इंसान के कान तो अलग होते हैं। रही बात दूसरी, अब बॉक्स की, हमने बॉक्स की बात कही थी, तो आ जाते हैं डब्बे पर। डब्बा जिसे कैरिंग केस जिसे हम लोग कहते हैं, TWS में बहुत बड़ी मान्यता रखता है, क्योंकि इसके बिना आप TWS इस्तेमाल नहीं कर सकते। 99% TWS बॉक्स के अंदर ही आते हैं। ये बॉक्स केवल इनको डालने और रखने के लिए नहीं होता, इनको चार्ज भी करता है। अब ये अलग अलग आकार के बॉक्स भी आते हैं, चौकोर होता है, थोड़ा लंबा सा होता है, कुछ गोल भी होते हैं, आपको कौन सा पसंद है ये आप पे निर्भर करता है। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा होना चाहिए जिससे आप आसानी से कैरी कर सकें, आपके कपड़ों में आसानी से आ जाए, आपकी जेब में आसानी से आ जाए, आपके बैग में आसानी से आ जाए, ऐसा रखिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम लोग बहुत बड़ी बैटरी देते हैं, लेकिन वो भारी बन जाता है केस, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती है। अगले पॉइंट पे आते हैं, और ये है UI, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, यानी आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। TWS का इस्तेमाल कई तरीक़ों से किया जा सकता है, आपके कान पे रखा, और कान पे रखा, उसके अंदर TWS छोटे छोटे बटन हैं, आप उन बटनों को दबा दबा के कुछ काम करवा सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, या कुछ और होते हैं जो टच ओरिएंटेड होते हैं कि ठीक है 2 बार टैप किया कुछ हुआ, थोड़ा सा उंगली ऊपर नीचे आपने दौड़ाई कुछ हुआ, दोनों के फायदे होते हैं, दोनों के नुकसान होते हैं। जो बटन होते हैं वो बटन जनाब थोड़े से छोटे होते हैं, TWS खुद ही बेचारा इतना छोटा सा तो होता है, उसके ऊपर भी बटन तो आप लगता है ना जैसे आपको आदत डालनी पड़ती है, ये कौन सा बटन है, यहाँ 3 बटन है, ये वाला बटन है, वो वाला बटन है, ये सोचना पड़ता है। जेस्चर्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आपने 2 बार टैप किया कुछ नहीं हुआ, एक और बार टैप किया तो 3 टैप करने वाला जेस्चर है वो हो जाता है,
तो मैं कहूँगा जितना कम कॉम्प्लिकेटेड हो, जितना आसान हो यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में, ऐसा TWS देखिए। और हाँ, अगर आप ऐसा TWS चाहते हैं जो आपको अपने फ़ोन से दूर से, काफ़ी दूर से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जितने कंट्रोल्स TWS के हों उतना बेहतर। अगर आपको अपने TWS में वॉल्यूम बढ़ाने और वॉल्यूम बढ़ाने या ट्रैक चेंज करने के लिए बार बार फ़ोन उठाना पड़ता है, तो भाई TWS लेने का फ़ायदा थोड़ा सा घट जाता है ना। तब तो वायर्ड ही रख लीजिए, अगर फ़ोन ही पास में रखना है वायर्ड से कनेक्ट कर लीजिए, क्या तकलीफ आए कनेक्ट करने की बात। और चौथा पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अब TWS ज़्यादातर ब्लूटूथ पे काम करते हैं। कौन सा ब्लूटूथ? आमतौर पर ब्लूटूथ 5 होता है, कुछ पुराने वाले ब्लूटूथ 4.5 पे भी काम करते हैं। क्या ध्यान रखना चाहिए? सीधी बात, ब्लूटूथ कितनी डिस्टेंस तक और कितनी अच्छी तरह से काम करता है। हाँ, कागजी ज्ञान ये आपको दे देंगे कि 30 फुट दूर चले जाइए फोन से काम कर जाए, तो आप 50 फुट दूर चले जाइए फोन से काम कर जाएगा। लेकिन सीधी बात यह है, अगर बीच में दीवारें हैं, अगर बीच में पर्दे हैं, अगर आप बाहर चले गए, बीच में एक फ्लोर नीचे चले गए, कौन जाने आपका कनेक्शन टूट जाए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा आपका कनेक्शन कब टूटता है, यानी आप अपने फ़ोन या फिर कोई डिवाइस जिससे आपने कनेक्ट किया है उससे कितनी दूर आप रह सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। TWS खुद में ज़्यादा बैटरी दे नहीं पाते। अगर आप देखिएगा नॉर्मल ईयरफोन्स उतने ही दाम के, तो वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी दे देंगे। वायर्ड वाले जो ईयरफोन्स होते हैं, जिसमें एक हल्का सा वायर होता है, वो 15 से 20 घंटे तक बैटरी आपको दे देंगे। TWS आमतौर पर 3 से 5, 6, 7 घंटे तक आपको बैटरी देगा। ये ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन इसीलिए तो केस होता है, आप जब भी इन्हें केस में डालते हैं बैटरी रिचार्ज हो जाती है। तो ध्यान रखें TWS खुद कितनी बैटरी दे सकता है, बैटरी पर एक चार्ज पर कितनी देर तक चल सकता है, और तब केस कितनी जल्दी इसे चार्ज कर सकता है, केस को आप कितनी जल्दी चार्ज कर सकते हैं, और केस कितनी बार रिचार्ज कर सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपकी नीड्स के अनुसार। सबसे खास बात, आखिर सुनने के लिए है ना, तो साउंड क्वालिटी कैसी होगी? अब जनाब ये आप पे निर्भर है। अगर आपको नगाड़ों और बीट्स का साउंड बहुत अच्छा लगता है, तो हम सिर्फ बेस सिग्नेचर कहते हैं, बेस हेवी सिग्नेचर, वो आपके लिए उपयुक्त होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई, हम तो सब कुछ सुनना चाहते हैं, साफ साफ सुनना चाहते हैं, तो जिसे आप लोग बैलेंस्ड साउंड सिग्नेचर कहते हैं, वो आपको पसंद आएगा, उसमें सारी चीज़ उभर के आएंगे। लेकिन हाँ, अगर बेबी को बेस पसंद है तो उसमें ज़बरदस्त बेस नहीं आएगा। सुनने से लेकर बोलने तक TWS में अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि माइक्रोफोन्स कैसे हैं, और क्या ध्यान रखना चाहिए, कहाँ आप यूज़ करने जा रहे हैं TWS को। अगर आप जिम में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत धूल पानी इत्यादि होगा, तो डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस चेक कर लीजिएगा। अगर घर में इस्तेमाल करना है, चलिए जनाब चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल के रखिएगा बस थोड़ा सा। अंत में बात करते हैं प्राइस की, दाम। और TWS में पैसा फेंक तमाशा देख वाला लॉजिक चलता है। आमतौर पर 90% में आप जितना ज़्यादा पैसा दीजिएगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको TWS से मिलेगी, उतना अच्छा ही साउंड क्वालिटी, उतनी सफाई का साउंड आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप कम दाम दीजिएगा उतना अच्छा साउंड आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे राइपरटेक नेवी है, क्रिएटिव का आउट टायर है, जो कम दाम पे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर आप हाई क्वालिटी साउंड चाहते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा दाम देना पड़ेगा। तो ये थे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप TWS खरीद रहे हैं। आप TWS क्यों खरीद रहे हैं? चलिए जनाब, आप आपको फिर दोष देते हैं ना। मैं हूं निमिष दुबे, और मैं आपको बता रहा था TWS के बारे में। और कोई आपके पास इंक्वायरी हो तो मुझसे पूछ लीजिए। आजकल इनके कारण तारे तो ज़मीन पे नहीं आ गए, लेकिन तार ज़रूर ज़मीन पे आ गए, क्योंकि इसमें तार तो एकदम नहीं, जिंदगी तार तार हो गई है। मैं हूँ निमिष दुबे।